क्या मामला है, कितने बड़े पकड़े रहे हैं? आज मैंने रैंडम चेकिंग की है, कलेक्टरगंज थाने के एक होटल ओम पैलेस की, जिसमें जब रजिस्टर चेक किया तो एक भी उसमें वो नहीं था, बुकिंग नहीं थी, और जब रूम्स चेक किए तो 8 जो है रूम्स बुक थे ऑलरेडी, तो उन सब रूम्स में जब पूछताछ के लिए जो है 8 लड़के और 8 लड़कियाँ जो है लेके आए थे मामले में, तो पूछताछ अभी जा रही है। होटल पे तो कार्रवाई करेंगे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। हाँ जी बिल्कुल, किसी होटल कर्मचारी को पुलिस मैनेजर मिला नहीं वहाँ पे मौके पर, एक कर्मचारी आया हुआ है। मैं होटल का नाम बदल देते हैं, थोड़े दिन बाद छापा मारा था, काफी तादाद में जोड़े मिले थे, तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया, उस पर क्या कार्रवाई आपके ऊपर? बिल्कुल इसके लिए भी जो है जाँच बताई जाएगी और जाँच करके। मैम ऐसे यहाँ बहुत होटल हैं, ऐसे लिखे काम बहुत हो रहे हैं, इनके लिए क्या कार्रवाई होगी आपकी? बिल्कुल अभी सभी होटलों की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी, डेली चेकिंग वगैरह की जाएगी, और इस तरह से कभी भी कोई शिकायत आएगी तो रैंडम पे ऐसी चेक किया जाएगा मेरे द्वारा। मैडम जी ये जो कपल पकड़े गए ये ऑलरेडी कानपुर के हैं कि बाहर के हैं? अभी 4 लोगों से ही पूछताछ हुई है, 4 कानपुर के ही हैं, और लड़कियाँ संभाले गए, 4 लोगों ने पूछताछ की।